आपके नजर में अच्छा कौन कर रहा है? पब्लिक चल रहा है। जीत कौन सी पार्टी की होगी? जो ज्यादा पैसा फेंकेगा, ज्यादा शराब फेंकेगा, उसकी जीत होनी है। क्या लगता है आपको जीत इस बार किस पार्टी? एनडीए कैंडिडेट का। आपको क्या लगता है इस बार जीत किसकी होगी? एनडीए की जीत होगी। क्या लगता है जीत किसकी? सर तेजस्वी जी का जीत होगा। कौन सी पार्टी की जीत होगी? राजद। कन्हैया भी उपचुनाव में प्रचार कर रहे हैं। कन्हैया का जो आइडियोलॉजी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, यानी कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर। चुनाव प्रचार थम चुके हैं और अब इसको लेकर के सभी पार्टियों ने जो ताकत झोंकी थी, उसके परिणाम 2 नवंबर को आएंगे और 30 अक्टूबर को इसके मतदान होने वाले हैं। लेकिन आज हम जनता से बातचीत करने के लिए निकले हैं कि इस सत्ता के सेमीफाइनल में आखिर जीत किसकी होगी। क्या लगता है इस बार उपचुनाव में जीत किसकी? देखिए, इस बार के उपचुनाव जो है वो कांटे का मुकाबला है जेडीयू और आरजेडी के बीच। लालू जी के आ जाने से चुनाव दिलचस्प हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत हो गया पुरानी सरकार, अब तो दो युवा सरकार, युवा के हाथ में मौका, तो ये लोगों के जहन में है। आपको क्या लगता है इस बार उपचुनाव में जीत किसकी होने वाली है? मैडम, जीत का तो संभावना दोनों तरफ से है जहाँ तक लग रहा है, लेकिन फिर भी सरकार में रहते हुए शायद नीतीश कुमार की पार्टी जीत जाए। कन्हैया भी उपचुनाव में प्रचार कर रहे हैं। कन्हैया का जो आइडियोलॉजी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, तो मुझे नहीं लगता है क्या कि ये मुस्लिम लोग को भी पसंद आएंगे। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है इस बार जीत किसकी होगी? एनडीए की जीत होगी। क्यों ऐसा लग रहा है? शासन ठीक है। लेकिन लालू यादव भी पटना आए हैं और चुनाव प्रचार किए हैं, क्या लगता है उसका कोई असर? राजनीति है, लोग को अपना राजनीति करनी है। इनका भी 15 साल देखे, इनका 16 साल देखे। जिस समय हम लोग एथी में थे, एक स्कूल के प्रोडक्ट हैं, वो भी मिलर हाई स्कूल से पढ़ के गए थे। उन तो जूनियर हैं, लालू प्रसाद, नीतीश, सुशील यादव काफ़ी जूनियर हैं, लेकिन वो लोग पॉलिटिक्स है। यानी कि दोनों की राजनीति आप देख चुके हैं, 15 साल उनकी भी और 15 साल इनकी भी, क्या लगता है डिफरेंस? क्या लगा? डिफरेंस लगा कि शांति तो है। आज रात में लोग आज आवाजाही कर रहा है, लड़कियां बाहर निकल रही है, यानी निर्भीकता एक तरह से आ गई है। तो हर जगह कानून किसी को साथ नहीं दे सकता है, जहाँ घटना घटेगी, लेकिन उस समय का जो शासन था वाकई में बहुत त्रासदी वाला था। लेकिन तेजस्वी यादव है, वो नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार कोई भी अहम मुद्दों पर बातचीत ही नहीं करना चाहते, कुछ बोलना ही नहीं। देखिए, आप सदन में आइए, सदन में बैठिए, सदन में अपना प्रश्न कीजिएगा कि रोड पर प्रश्न कीजिएगा, ये प्रश्न तो सदन में होनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, दो सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहे, क्या लगता है कौन सी पार्टी की जीत होगी? राजद। क्यों लग रहा है आपको? लालू जी का है प्रभाव, लालू जी से बिहार का जनता, बिहार का इज्जत, सब चीज़ लालू जी के समय में जो बरकरार था, अभी तो सब नीतीश कुमार जी मटिया मेट करके रखे हुए हैं, तो लालू जी ही जीतेंगे। तेजस्वी है भविष्य आगे का बिहार का, ये तो ज़बरदस्ती बने हुए हैं नीतीश जी चीफ मिनिस्टर। क्या लगता है आपको जीत इस बार किस पार्टी की होने वाली है? एनडीए कैंडिडेट का नीतीश कुमार का जो कैंडिडेट है वही जीतेगा। लालू यादव भी इस बार चुनाव प्रचार करने के लिए आए, कुछ असर लगे हमको? बहुत असर पड़ने वाला, कुछ तो असर जरूर पड़ेगा। लालू जी हैं, उनका असर नहीं पड़ेगा बिहार की राजनीति में, संभव नहीं है, पड़ेगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा असर, मैं ऐसा असर कि मैंने कोई सीट में चेंज आ जाए हमको नहीं लगता है, मेरे अनुमान से। अब गलत भी मैं हो सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आपको लग रहा है कि जीत इस बार एनडीए की? इसीलिए कि इस सरकार ने काम किया है। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है इस बार जीत कौन सी पार्टी की होगी? जीत की जहाँ तक सवाल है, जिसका जो ज़्यादा पैसा फेंकेगा, ज़्यादा शराब फेंकेगा, उसकी जीत होनी है। ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई ईमानदारी से जीत होना है। किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं? बस मैं इतना ही कहूँगा कि शराब वही है, सिर्फ बोतल बदला गया है। बिहार में उपचुनाव हो रहा है, क्या लगता है इस बार जीत कौन सी पार्टी का होगा? कौन पार्टी इस बार जीतेगा? देखिए, ये कहना अभी मुश्किल है कौन सी पार्टी जीतेगा, ये कहना मुश्किल है। वो तो निर्धारित तब होगा कि जब पार्टी का कोई अच्छा कैंडिडेट जब चुना जाता है, तभी उसको कोई निर्धारित करता है कि जिन्हें इसका उम्मीद है कि ये पार्टी जीत जाएगा। अच्छा, ये बताइए कहाँ के रहने वाले? हम सहरसा डिस्ट्रिक्ट का हैं। बिहार में
क्या लगता है नीतीश कुमार जी अच्छा काम किए हैं? नहीं, नीतीश कुमार तो जो भी किए हैं अभी फिलहाल में बहुत अच्छा किए हैं, हम लोगों के लिए ठीक किया है। क्या लगता है जीत किसकी होगी? सर तेजस्वी जी का जीत होगा। एक चीज़ सर, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और खास करके शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो ध्वस्त करके रख दिया नीतीश कुमार ने, खास करके नीतीश कुमार की बात की जाए तो। क्या लगता है उपचुनाव होने वाला है, जीत इस बार किस पार्टी की होगी? अब जो अच्छा चल रहा है वही ना जीतेगा, आने तो जी बोला। आपके नज़र में अच्छा कौन कर रहा है? पब्लिक चल रहा है, पब्लिक चल रहा है। सरकार की बात चल रही है, अगर या तो सरकार या तो विपक्ष बिना है, पब्लिक ने बिना है तो जो अच्छा चल रहा था वो रह जाए, बुरा चल रहा था वो चल जाएगा। तो सुना आपने कि लोगों ने उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ राय दी है। अब देखना ये अहम होता है कि 30 अक्टूबर को इस पर मतदान होने हैं और 2 नवंबर को इसके नतीजे आने वाले हैं। सब ने अपनी अपनी राय रख दी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विकास होना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, नमस्कार।